बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चप्पल कबाब की रेसिपी लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा अक्सर लोगों के कबाब क्यों टूट जाते हैं, कौन सी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आपको पता हो तो कबाब कभी नहीं टूटेंगे, खुशबू कैसे लेके आएंगे इसमें, खूबसूरती कैसे लेके आएंगे। इंशाल्लाह आज टिप्स एंड ट्रिक्स के मैं ढेर लगा दूंगा, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा बॉल लेंगे और यहाँ पर मैंने हाफ के जी कीमा लिया है। आप मटन का ले लें, बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, डजंट मैटर। चलें जी, अब यहाँ पे सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि प्याज का पानी जो है अक्सर लोगों के कबाब तोड़ देता है, नरम कर देता है, प्याज बनता ही नहीं। तो प्याज को आपने इस तरह से ग्रेट कर लेना है और ग्रेट कर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको पकड़ लेना है हाथों में और ज़ोर से दबा के इनका पानी निकाल देना है। देखें, प्याज बहुत अहम चीज़ है कबाब के अंदर, और ये वाले जो बड़े बड़े पीसेज हैं इनको भी आपने निकाल देना। प्याज के बगैर कबाब नहीं बन सकते, तो प्याज को ऐड करना ज़रूरी है, लेकिन इनका पानी डिस्टर्बेंस करता है। ज़ोर से आपने दबाना है, पानी बहुत आराम से निकल जाएगा। और ये वाला पानी आप अपने बालों पर लगा सकती हैं, बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल होता है और बालों के लिए अच्छा होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे अब ये प्याज जिनका हमने पानी निचोड़ दिया था, इसको हम ऐड करेंगे। इसके अंदर कोई बड़ा पीस नहीं होना चाहिए प्याज का, ठीक है, जो मैंने अभी निकाल दिया था। चलें जी, प्याले को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब अगली चीज़ जो इसमें अंदर जाएगी ये है कुटी हुई लाल मिर्च, 3 नॉर्मल साइज़ की मिर्चें जिनको मैंने अच्छे से कूट लिया था। और ये है रेड पेपर, ठीक है, ये हरी मिर्चों में ही लाल किस्म की आती हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा होता है और दूसरी बात इनकी खूबसूरती भी बहुत होती है। अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल फ्रेश लेना आपने, क्योंकि स्पेशल रेसिपी है। 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर। और ये है हरा धनिया, 2 से 3 टेबलस्पून, खूबसूरती खुशबू सारे कामों के लिए। चलें जी, अब यहाँ पे ये देखें, ये है हमारे पास पिपली, ठीक है, ये आपको हकीम की दुकान से मिलेगी या पंसारी की शॉप से। इसका क्या काम होता है, एक तो ये हाजमे के लिए अच्छी होती होती है, इसकी खुशबू बहुत शानदार होती है, ये कबाब को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। उसको कूट लेते हैं। तो ये देखें, एक और अहम बात, खुश धनिया आपने पाउडर नहीं डालना, ना ही दरदरा, जस्ट आपने हल्का सा कूटना है और जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तब आपने इसमें डालना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 टेबलस्पून ले रहा हूँ खुश धनिया, जिसको मैंने हल्का सा जस्ट कूटा है। 1 टीस्पून इसमें नमक का काफ़ी होगा। और ये है हमारे पास हल्दी, 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें। और ये है मेरे पास खुशबू मसाला, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये पीपली का पाउडर 1/4 टीस्पून। और ये 1/2 टीस्पून हमारे पास मिक्स गरम मसाला है। चलें जी, अब आपने ये देखें अजवाइन है 1/4 टीस्पून, इसकी खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है चपली के बाल में, ये कबाब में, ये भी आप ज़रूर ऐड करिएगा। अच्छा, जितना अब हमारा ये बैटर है ना कीमे का, इसके अंदर कंप्लीट अंडा ज़्यादा हो जाएगा, बैटर बहुत हमारा जो कीमा पतला हो जाएगा, 1/2 अंडा मैं इसमें जस्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, खूबसूरत सा पैन लेंगे और आपने इसके अंदर बेसन डालना है 3 से 4 टेबल स्पून। यहाँ पर आप जो भुने हुए चने होते हैं ना, उसका आटा भी ले सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली घरों में अवेलेबल नहीं होता। तो आप बेसन को अगर भुनेंगे ना तकरीबन 1 से 1.5 मिनट, तो इसमें भुने हुए चनों की खुशबू आ जाएगी, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और मैं इसकी करूँगा मिक्सिंग। देखिए, अगर आपको ये अभी भी पतला लगे ना कीमा, तो आपने घबराना नहीं, आपने क्या करना है इसके अंदर ये जो बाकी बचा हुआ था 1 टेबल स्पून, ये वो भी ऐड कर देना, ठीक है। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, बस आपने भून के बेसन को ऐड करना है। अब आपने क्या करना है, इसको फ्रिज के अंदर रखना है कम से कम 2 घंटे, उससे टेस्ट और फ्लेवर बढ़ जाएगा और साथ ही साथ आपको कबाब बनाने में भी आसानी होगी। ये ले जी, बैटर को तकरीबन मैंने 2 घंटे रेस्ट दिया था फ्रिज के अंदर। अब आपने ऑयलिंग कर लेनी है हाथों को इस तरह से, और मैं आपको दिखाऊंगा कितनी आसानी से चप्पल कबाब बन जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई ख़ास गोलाई का ये वो कुछ ध्यान नहीं रखना होता, कोई मसला नहीं। एक दफ़ा दबा लें ताकि इसके अंदर जो जोड़ वगैरह हैं जो वो ख़त्म हो जाए और एक जान बच जाए। उसके बाद इस तरह से दबा के कोई भी आप शेप दे लें, डजंट मैटर, अहम चीज़ है आपने रेसिपी को फॉलो करना। तैयार है, अब आपने क्या करना है, एक प्लेट जिसके अंदर आपने ऑयल लगा लेना है, ग्रीसिंग कर लेनी है, उसके अंदर रख देने हैं ताकि आप सब ये एक साथ बना सकें, ऑयलिंग इसलिए कि आप उठा सकें उसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी कोशिश कीजिएगा आप लें, घी से क्या होता है ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं एज़ कम्पेयर टू कुकिंग ऑयल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देखें कितनी खूबसूरती से, अच्छा ध्यान से देखिएगा किस तरह से इनको मैं अंदर इसके डाल रहा हूँ। और बहुत अहम बात, इनको आपने पलटना कैसे है कि ये टूट ना जाए, तो ये अहम बातें होती हैं। ये देखें, आप 2 चम्मच आपने लेने हैं, इस तरह से आपने इनको पलटना है, इससे ये टूटेंगे भी नहीं और ऑयल के छींटे भी उड़ के आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। कुकिंग सीख लेना, रेसिपी सीख लेना, सब कुछ नहीं होता, किस तरह से काम किया जाता है ये भी एक बहुत
अहम बात होती है जो अक्सर बताया नहीं जाता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे। जस्ट आपने 10 से 12 मिनट पकाना है क्योंकि 2 घंटे की मैरिनेशन है और ये है तैयार। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में हमारे खाने में। कच्चे कीमे के कबाब तैयार हैं, पेशावरी कबाब तैयार हैं, आपके लिए बहुत ही स्पेशल चपली कबाब तैयार हैं, लाहौरी कबाब कह लें, पेशावरी कबाब कह लें, परफेक्ट रेसिपी है। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जानसार की इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।